हे भगवान, कब तक, आखिर कब तक इस गरीबी के कारण अपनी पत्नी से तिरस्कार सहता रहूंगा। रोज रोज मुझे पूरे गांव में सिर्फ एक वक्त के खाने भर का ही भोजन मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। अरे पंडित जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अरे कुछ नहीं नंदू भाई, बस घर की ही चिंताओं में उलझा रहता हूँ। अच्छा ठीक है नंदू भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए पंडित जी, कहीं आपको जरा सी भी देर हो गई तो पंडिताइन जी आपको मार मार कर आपका भरता बना देंगी। उन लोगों की यह बात सुनकर बेचारे देवनंद वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, वह तो मैं रोज ही देखती हूँ कि तुम बस खाली हाथ हिलाते हुए चले आते हो। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा ही इतना गुस्सा क्यों रहती हो? यदि मुझे ज्यादा भिक्षा नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर अपनी सारी जिंदगी नरक बना ली। इसी प्रकार उन दोनों की जिंदगी कट रही थी। ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता था, लेकिन भोजन एक व्यक्ति के खाने भर मात्र का ही मांग कर ला पाता था। हे भगवान, रोज रोज मैं इस अपमान भरी जिंदगी से परेशान आ गया हूँ। या तो मैं ही मर जाऊँ, या तो फिर ये मेरी दुष्ट पत्नी ही मर जाए। क्या करूँ इस दुष्ट औरत से, अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ? मुझे कोई ना कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडिताइन जी, आज मैं उज्जैन राज्य में जा रहा हूँ। वहाँ के राजा बहुत ही दयालु हैं। वो प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को सोना दान करते हैं। आज मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना लेकर आऊँगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे अरे, तो फिर आप यहाँ पर फालतू की बातें कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी जाइए, कहीं राजा ने सारा खजाना दूसरों को दे दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इतना सुनकर ब्राह्मण अपने लिए कुछ खाना बांध कर अपनी झोली में रख लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे राम राम राम, चलते चलते इतना दूर निकल आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। चलो ऐसा करता हूँ, नदी पास में ही है, थोड़ा सा भोजन ही खा लेता हूँ। इतना सोचकर ब्राह्मण वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपनी झोली रख देता है और घड़े में पानी भरने के लिए चला जाता है। मेरे हिसाब से ये स्थान ठीक रहेगा, चलो यही से पानी भर लेता हूँ। इतना सोचकर वह ब्राह्मण अपना घड़ा पानी से भरने लगता है। पानी भरने के बाद वह वापस उसी पेड़ के पास लौट आता है और फिर आराम से अपना भोजन करने लगता है।
अरे वाह, भोजन खाकर तो हृदय को पूरी तरह शांति मिल जाती है। अब भोजन तो कर लिया, चलो अब थोड़ा सा इसी स्थान पर आराम ही कर लेता हूँ। फिर वह ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। तभी कुछ देर बाद ही एक सर्प वहाँ पर आता है और ब्राह्मण के थैले में घुस जाता है। तभी अचानक से ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं। अरे मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आया था, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ब्राह्मण जल्दी से अपना थैला खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक सर्प बैठा होता है। अरे रे रे, राम 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 राम, कितना भयानक सर्प है, मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये सर्प मुझे मार ही डालता। वैसे इस सर्प को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया है, मैं ऐसा करता हूँ, इस सर्प को पकड़कर अपने घर ले चलता हूँ और इसे अपनी पत्नी को दे दूंगा। जैसे ही वो इस थैले को खोलेगी तो ये जहरीला सांप उसका काम तमाम कर देगा। इतना सोचकर ब्राह्मण उस थैले का मुख बांध देता है और उसे लेकर वापस घर की ओर लौट पड़ता है। अरे ओ पंडिताइन, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अजी आप आ गए, मुझे पता है आप इसमें ढेर सारा खजाना लेकर आए होंगे। लाइए लाइए, मुझे जल्दी से अपना थैला दीजिए। इतना कहकर वह थैला पंडिताइन ले लेती है। अरे रुको रुको भाग्यवान, इतनी भी जल्दी किस बात की है? मुझे थोड़ा सा कहीं काम याद आ गया है, तो मैं उस काम को निपटा कर जल्द ही लौट आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए और आराम से आइएगा। न सुनते ही ब्राह्मण जल्दी से घर से बाहर आता है और बाहर से ही दरवाजा बंद कर लेता है। पंडिताइन जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसके अंदर वही सर बैठा होता है। सांप, अजी दरवाजा खोलिए, मैं तो मर ही गई, इसके अंदर तो सांप है, अजी जल्दी दरवाजा खोलो ना। ब्राह्मणी अंदर चिल्लाती रहती है, लेकिन ब्राह्मण चुप्पी मार कर एक कोने में खड़ा रहता है। कुछ देर बाद ही पंडिताइन का शोर मचाना बंद हो जाता है। अरे वाह वाह, मुझे लगता है कि सर्प ने अपना काम कर दिया। चलो जल्दी से चलकर देखता हूँ और झूठ मूठ का रोने का नाटक करता हूँ। इतना सोचकर पंडित जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर बालक खड़ा है और वह पंडिताइन चुपचाप खड़े होकर उस बालक को देख रही है। ब्राह्मण उस बच्चे को देखकर हैरान था, लेकिन वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वह सर्प ही था जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। वह अपना रूप किसी के रूप में भी बदल सकता था। उसी दिन से वह बच्चा उस ब्राह्मण के घर में रहने लगता है। जब से वह बच्चा ब्राह्मण के घर आया था तब से ब्राह्मण की सारी गरीबी खत्म हो गई थी। अब पंडित और पंडिताइन जो भी इच्छा करते वह तुरंत पूरी हो जाया करती थी। बेटा आज मेरा मन कुछ मीठा खाने को हो रहा है, तुम अपनी शक्तियों से मेरे लिए कुछ रसगुल्ले मंगवा दो। माँ का आदेश होते ही वह लड़का अपनी शक्तियों से एक थाली भर कर रसगुल्ले मंगवाता है। पंडित और पंडिताइन ने उस लड़के का नाम नाग्य राय रखा था। एक दिन की बात है, नाग्य राय चुपचाप उदास होकर बैठा था। अरे बेटा क्या बात है, आज तुम उदास होकर क्यों बैठे हो, क्या बात है पुत्र? पिताजी मैं काफी दिनों से किसी पवित्र तालाब में स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई पवित्र तालाब नहीं मिल रहा। लेकिन पुत्र यहाँ पर आसपास तो कोई भी ऐसा पवित्र तालाब नहीं है। हाँ एक जगह ऐसा पवित्र तालाब है,
तो फिर जल्दी बताइए पिताजी, वो तालाब कहाँ पर है? बेटा, ऐसा तालाब तो हमारे राज्य के राजा के महल में ही है। तो फिर चलिए पिताजी, मुझे उस तालाब के पास ले चलिए। अरे नहीं पुत्र, उस तालाब में तुम स्नान नहीं कर पाओगे। यदि राजा को पता चल गया तो राजा हमें फांसी पर ही चढ़ा देगा। अरे पिताजी, आप इतने चिंता क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर वे दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा, यही वो राज्य महल है जिसके अंदर वो तालाब है, लेकिन बेटा तुम इसके अंदर जाओगे कैसे? पिताजी अब चिंता ना करें, बस मैं एक छिद्र ढूंढ रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं अंदर जा सकूं। फिर वे दोनों दीवार में छेद ढूंढने लगते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर एक छिद्र मिल गया। फिर नागराय जल्दी से अपना रूप एक सर्प में परिवर्तित कर उस छिद्र की सहायता से अंदर घुस जाता है। अरे वाह, ये तालाब तो कितना सुंदर है। चलो मैं जल्दी से स्नान करके यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना सोचकर नागराय तालाब में स्नान करने लगता है। तभी बगीचे में टहल रही राजकुमारी के कानों में पानी की आवाज जाती है। अरे बहन, इतनी जोर जोर से पानी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है हमारे सरोवर में कोई स्नान कर रहा है। तुम जल्दी से जाओ और देख कर आओ तालाब में कौन स्नान कर रहा है। फिर वह दासी जल्दी से तालाब पर जाती है तो उसे तालाब में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जब तक दासी तालाब पर पहुंचती है तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। लेकिन राजकुमारी जी, तालाब में तो कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ साफ सुना था कि सरोवर में किसी के स्नान करने की आवाज आ रही थी। अगले ही दिन नागराय फिर से उस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है तो राजकुमारी ने फिर से उस सरोवर से वही आवाज सुनी। अरे ये क्या, आज फिर से वही आवाज आ रही है। मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद सरोवर के पास जाकर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी सरोवर के पास जाती है तो देखती है कि नागराय बड़े ही आनंद से सरोवर में स्नान कर रहा है। अरे वाह, ये युवक कौन है? ये तो कितना सुंदर और आकर्षक है। काश कि ये मेरा पति बनता। लेकिन ये है कौन और राजमहल के अंदर आया कैसे? मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ ये कहाँ जाएगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। नागराय जल्दी से स्नान कर वहाँ से जाने लगता है तो राजकुमारी उसका पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। अच्छा, तो ये युवक पंडित देवनंद का पुत्र है। माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगी? हाँ हाँ बेटी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। माँ, मुझे किसी युवक से प्रेम हो गया है और मैं उसे अपनी अंतरात्मा से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा विवाह उसी युवक के साथ हो। लेकिन बेटी, वह युवक है कौन? माँ, वह युवक हमारे राज्य के पंडित देवनंद का पुत्र है। लेकिन पुत्री, एक ब्राह्मण भला तुमसे विवाह कैसे कर सकता है? महारानी के लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानती। फिर महारानी यह बात राजा को बताती है। अरे नहीं महारानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या कभी जमीन और आसमान आपस में मिल सकते हैं? कहां वो दरिद्र ब्राह्मण और कहां मैं एक राजा
भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, यदि मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा भयभीत हो जाता है, कहीं उसकी इकलौती बेटी आत्महत्या ना कर ले। अच्छा ठीक है राजकुमारी, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा विवाह उसी युवक से कराऊंगा। सैनिकों, पंडित देवनंद के घर जाइए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लेकर आइए। राजा का आदेश होते ही सैनिक पंडित देवनंद के घर पहुँच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। लेकिन महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया कि नाग्यराय उनके सरोवर में रोज स्नान करने के लिए जाते हैं? आज तो महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं सैनिक भाई, चलो आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर पंडित देवनंद सैनिकों के साथ राजमहल में पहुँच जाते हैं। बोलिए महाराज, क्या बात है, आपने हमें क्यों याद किया? पंडित जी, मैं आपसे अपनी पुत्री भानुमति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, हमारी पुत्री आपकी पुत्री से प्रेम करती है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। राजा के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। महाराज आप धन्य है, आप धन्य है महाराज, जो इस दरिद्र ब्राह्मण को इस काबिल समझा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है महाराज। फिर बड़े ही धूमधाम से नाग्यराय का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। राजा ने अपनी पुत्री भानुमति के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया, तो नाग्यराय और राजकुमारी तथा वह ब्राह्मण पूरा परिवार उस महल में ही रहने लगता है। उधर नाग्यराय की नाग पत्नियां, जो कि उस नदी में रहती थीं, काफी समय से जब नाग्यराय वापस नहीं गया तो उन्हें अपने पति की चिंता हुई। लेकिन प्रीतमा, हमारे पति आखिर कहाँ जा सकते हैं? उन्हें गए हुए पूरे 17 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। अरे बहन, मुझे पता चला है कि हमारे पति ने पृथ्वी पर दूसरा विवाह किया है, जिसका नाम भानुमति है। वह राजा की इकलौती पुत्री है। फिर उन दोनों ने नाग्यराय को वापस लाने की योजना बनाई। अच्छा ठीक है प्रीतमा, अब मैं चलती हूँ। नागरूपिणी नदी से बाहर निकलकर अपना वेश बदलकर एक गरीब दुखियारी औरत बन जाती है और नाग्यराय के महल के पास पहुंच जाती है। नाग्यराय तो घर में था नहीं और ना ही वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे, घर में तो सिर्फ राजकुमारी भानुमति ही थी। किसके रोने की आवाज है? अरे आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? आप रो क्यों रही हैं? राजकुमारी जी, मेरा नाम चंद्रवती है और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आपने मेरे पति नाग्यराय से विवाह कर उन्हें मुझसे छीन लिया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, वह तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? राजकुमारी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने पति की परीक्षा ले सकती हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलिए आपको क्या परीक्षा चाहिए मेरे पति की? राजकुमारी जी, आप अपने पति को पास की नदी में उतरने को कहिए, यदि वो पानी में डूब गए तो वे आपके पति नहीं है, मेरा पति है, और यदि पानी में नहीं डूबे तो वो आपके ही पति है। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। जब नाग्यराय वापस घर आता है तो देखता है कि राजकुमारी उससे बात नहीं कर रही है। भानुमति, आज आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्या बात है?
मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। लेकिन प्रिय, मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? फिर भानुमति सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे प्रिय, तुम्हें ऐसे किसी भी स्त्री की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं जी, यदि आप गलत नहीं हैं, तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। आपको कल सुबह ही पास की नदी में उतरना होगा। यदि आपको कुछ नहीं हुआ तभी मैं मानूंगी कि आप सत्य कह रहे हो। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। अंततः नाग्य राय को राजकुमारी के सामने झुकना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह होते ही नाग्य राय तथा वह राजकुमारी दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नाग्य राय पानी में उतर जाता है। जैसे ही नाग्य राय पानी में उतरता है तभी उसकी दोनों नाग पत्नियाँ उसे पानी के अंदर खींच ले जाती हैं। किराए, तुम कहाँ चले गए? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा ठीक है नागराय, अब तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी उस पत्नी के साथ भी स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी काफी देर तक खड़े होकर नागराय को पुकारती रही, लेकिन नागराय वापस लौटकर नहीं आया। भगवान, आपने मेरी सारी खुशियाँ तो छीन ही ली है, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? हे प्रभु, अब मुझे भी मौत दे दो। भिक्षाम देही। ये लीजिए माता, आज भानुमति आपको भिक्षा दे रही है। हो सकता है ये भानुमति कल हो या ना हो। अरे बेटी, तो क्या तुम्हारा नाम ही भानुमति है? हाँ माता, मेरा नाम भानुमति है। लेकिन बेटी, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? फिर राजकुमारी उस बूढ़ी महिला को सारी कहानी सुनाती है। पुत्री, मैं कल रात्रि में पास की नदी के पास से गुजर रही थी, तो नदी में से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बाहर आता है। मैं नाग्य राय, यहाँ पर उपस्थित किसी भी प्राणी को अपनी प्रियतमा भानुमति की तरफ से पेट भर भोजन खिलाना चाहता हूँ। फिर मैंने पेट भर कर खाना खाया, उसके बाद वह राजकुमार वापस उसी नदी के अंदर चला गया। ये बात सुनते ही राजकुमारी के अंदर मानो जैसे फिर से प्राण आ गए हों। राजकुमारी जल्दी से उस बूढ़ी महिला को ढेर सारा धन देकर विदा कर देती है। राजकुमारी बिना देर किए वहाँ से निकल पड़ती है और रात्रि होने से पहले ही वह नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहीं पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही रात्रि होती है वह नाग्य राय हाथ में एक खाने की थाली लेकर फिर से प्रकट होता है। राजकुमारी जैसे ही नाग्य राय को देखती है तो वह दौड़कर उसके लिपट जाती है। अजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपके बिना तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। नहीं भानुमति, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, अब मैं धरती पर वास नहीं कर सकता। तो ठीक है, यदि आप धरती पर वास नहीं कर सकते तो मैं भी आपके साथ पानी के अंदर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरे साथ पानी में रहने को तैयार हो तो चलो। फिर नाग्य राय और भानुमति दोनों नदी के अंदर चले जाते हैं। फिर वे चारों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर पंडित और पंडिताइन का लड़का जब वापस अपने देश लौट जाता है तो वे दोनों ढेर सारा खजाना लेकर वहाँ से किसी दूसरे शहर चले जाते हैं।